1 2 चले गंदी हुई ये गाड़ी, दूर से तो पता नहीं चलता लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं ना गाड़ी की तो गाड़ी बहुत बुरी लग रही है। एंड इट इज ऑल अबाउट द डिटेल। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। इस वक्त हम मार्केट्स पे निकले हुए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट क्या करने जा रहे हैं तो आपको पता ही है, हमने लास्ट व्लॉग में इसके रिम्स जो हैं वो उतार दिए थे, डीप डिश रिम्स, और वो किस वजह से उतारे थे ये भी आपको पता है, फिटमेंट नहीं बैठ रही थी तो हमने लगा दिए इसको क्राउन के रिम्स, जो कि पिछले व्लॉग के हिसाब से कुछ लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं। मैं तो हैरान परेशान हो रहा हूँ कि उनको अच्छे कैसे लग रहे हैं ये रिम। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है गाड़ी, बिल्कुल बेहूदा सी लग रही है। तो अभी मार्केट चलते हैं, जाके देखते हैं कोई रिम अगर पसंद आता है तो गाड़ी में लगा लेंगे, वरना अल्लाह अल्लाह है सर। मेरी और हबीब भाई की शर्त लगी है, ये गाड़ी जो है ना ये डेड ड्रॉप। हबीब भाई वैसे भी बोलता है गाइस, हम गाड़ी कर रहे हैं डेड ड्रॉप। अहमद भाई कहते हैं ये डेड ड्रॉप नहीं चलेगी, इस इधर आके ना गाड़ी लगने लग जाती थी पिछले रिम पे। इट इज डेड, पीछे से रेड है। ओ हो, आगे से चेक करते हैं। अभी डेड तो नहीं, इस वक्त गाड़ी फुल डेड है, जीरो। चलाओ सर, डेड के नहीं चेक हो रहे, वो पट्टा बनी हुई है। ओए बड़ी बच्ची है यार, बड़ी बच्ची है, अभी वन लगी नहीं। अपडेट कुछ यूँ चल रही है कि अभी हम लोग मार्केट से होके हैं, लेकिन रिम कोई समझ में नहीं आ रहा। जो हालात चल रहे हैं आपको ही पता है, बड़े ही अजीबो गरीब हालात चल रहे हैं, चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं और करेंसी हमारी डीवैल्यू से डीवैल्यू ही होती जा रही है, करेंसी ऊपर जा नहीं रही। खैर तो बॉयज़ इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्पैचिंग ऑफिस में, जहाँ पर माशाल्लाह बॉयज़ मेहनत कर रहे हैं। मैथ्यू नेथन एलन एलन और वो पीछे कौन खुलता है, तेरा कॉल तो करेंगे थी अंग्रेज को, जरा सुनाएं कैसे आप बात करते हैं। हे गुड मॉर्निंग, दिस इज नेथन विद एक्सप्रेस कॉलिंग लिखी। ये उसने कहा फेक, आई एम दिस इज नेथन विद एक्सप्रेस लाइंस, हाउ आर यू टुडे। सो वी बेसिकली प्रोवाइडिंग सम टॉप एंड कंसिस्टेंट लोड्स फॉर ट्रक्स एंड ट्रेलर्स, डू यू हैपन टू हैव वन? यू नो आई एम फर्स्ट लॉ राइटर। बॉयज सुबह मिलेंगे, सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। रिम का तो मामला हमारा नहीं चला, लेकिन जो है ना डिटेलिंग का मामला, इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स। सुबह बताऊंगा बाकी सारी बातें। सी यू। वेरी वेरी हैप्पी टुडे। हैप्पी क्या, हैप्पीनेस की वजह ये है कि माशाल्लाह गाड़ी बड़ी सुधरी लग रही है यार, यकीन मानो। मतलब वही पिछले व्लॉग वाली बात, अगर आपने कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देखें, जिसमें हमने क्राउन को अपनी लो की है और लो करने के बाद क्या क्लासिक गाड़ी लग रही है। एक्चुअली मैं समझता हूँ इस गाड़ी की हाइट ये होनी चाहिए थी, मतलब हमने लो नहीं की, हमने इसको इसकी ओरिजिनल हाइट पर ले आए हैं, आप ये समझें। मतलब ये कंपनी, अगर मेरा ख्याल है कंपनी वैसे इसी हाइट पे भेजती थी, वो भाईजान ने स्पेसर रखे हुए थे, अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखा आपको पता नहीं होगा, तो हाइट काफ़ी ऊंची थी अलबत्ता। अब जब हाइट नीचे हुई है ना, घड़ी क्या सुथरी लग रही है, पता चल रहा है यार कोई चीज़ खड़ी है और कोई कोई
रिस्पेक्टेबल गाड़ी है, कोई इस तरह की फील आ रही है इसको देख के। एज यू गाइस कैन सी खूबसूरत वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही, उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाती। आई होप जो कभी ना कभी आपको मैं इसको जो है ना सही से प्रॉपर वीडियो बना के जस्टिफाई कर सकूं। तो आज के ब्लॉग के दो मकसद हैं, एक ये कि हमारी गाड़ी में जो है ना वो स्विल मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पेंट करेक्शन होने वाली है, और उसके अलावा जो रिम्स हैं हमारी गाड़ी के वो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे सूट कर रहे हैं। रिम्स का कलर फिलहाल वाइट है और वाइट अच्छा नहीं लग रहा। ये जब मैंने रिम्स लिए थे ना, मैंने तब भी सोचा था कि इसको हम जो है ना कलर इसका चेंज करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी चेंज कर लेंगे। तो आज हमने उनके रिम्स का कलर चेंज करना है और पेंट करेक्शन करवानी है और गाड़ी डिटेल करवानी है। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। चलते हैं सीधा डैब पे, नॉट वर्कशॉप, है वैसे वे वो भी वर्कशॉप ही। कॉइलओवर बॉयज़, हम लोग पहुंच चुके हैं डैब पे, और डैब पे पहुंच के अभी हमने दिखानी है इनको जो मसले मसाइल हम फेस कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो मसले हैं ना वो क्लियर आउट हो जाए। हमजा भाई इधर आए, ज़रा ये गौर करें, ज़रा ये ऑलरेडी टचिंग हुई हुई है लेकिन इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बुरा लगता है बहुत। निशान बताओ आप साथ साथ। एक ये निशान है, ठीक है, ये देखो स्क्रैचेस बहुत सारे हैं। ये बच्चे इर्द गिर्द ना साइकिल चलाते रहे हैं इसके। हाँ मर्ज करनी है ना, देखो अभी ये बहुत उठी हुई है इसकी वो जो लेयर है ना, तो वो बुरी लग रही है। उसके अलावा इधर आओ जरा, एक बड़ी लकीर भी है वो साइड पे, एक ये है देख रहे हो, यहाँ से पेंट उतर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ढेरों स्क्रैचेस हैं, एक बड़ा स्क्रैच, स्क्रैच नंबर वन, स्क्रैच नंबर टू और स्क्रैच नंबर थ्री, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये सारे रिमूव कर दो मैं मान जाऊंगा, डैब यार डैब ऊपर की चीज है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना आपने क्लियर आउट करके देना है मुझे। फिर ले लिया गाड़ी, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय। अभी वो वहीं पे खड़ी है, वो खड़ी है, अच्छा वो है, अच्छा काम शुरू हो गया, गुड यार, इसका काम शुरू हो गया गाइस। पार्ट शार्ट्स अरेंज कर रहे हैं, अभी इसको कपड़े में ढांपा हुआ है तो इसको इधर ही रहने दे, ज़्यादा बेहतर है। इसको देख के ना बड़े गंदे गंदे बज आते हैं, इसको ना ही देखें तो बेहतर है फिलहाल। इंशाल्लाह ये जब पूरी तैयार हो जाएगी ना आपको फिर दिखाएंगे। दूसरा काम हमारा रिमो वाला है, भाई क्या करना है इनका यार। तो वो इस डिटेलिंग का काम बाद में, अभी फिलहाल रिम का जुगाड़ कुछ कर लें। रात तक मिल जाएंगे, ले आज नहीं जुड़े, आज नहीं हो रहे, वो भी करने हैं, अभी करने हैं। हां मेरी आज नहीं हो रहे। अपडेट ये है कि पेंटर भाई साहब ने ना कर दिया है, और एक पेंटर ने नहीं, कोई दो चार पेंटर्स ने ना कर दिया कि भाई आज के दिन में तो आपको रिम नहीं मिलेंगे। तो हम भी खिचड़ी नहीं बना रहे फिलहाल, आज सिर्फ करवाएंगे डिटेलिंग और रिम्स करवा लेंगे बाद में। ये भी नहीं कि बहुत बुरे लग रहे हैं, अर्जेंट काम तो नहीं है, लेकिन हमने ये पेंट करवाने हैं ग्रे मेटेलिक कलर जो है ना, जो मैंने सोचा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, फिलहाल दोबारा वापस जा रहे हैं डैब पे, डैब पे जाके फिर काम स्टार्ट करते हैं। हमजा भाई से पूछते हैं इनके कौन कौन से स्टेप्स हैं जिस पे जिसके बाद ये गाड़ी हमारी ए चकाचक हो जाएगी। बताओ मैंने क्या इसको, बस इतना डर है, आ जा आ जा, ग्राउंड गुजर गई है ये बस नहीं तो बाकी को डर रहा जैसे भाई आ जा बड़ी जगह आ जा, अपने आप को ड्राइवर कहता है, ग्राउंड गुजर रही है अभी। तो बॉयज अभी हम गाड़ी पे काम स्टार्ट करने लगे हैं अपना डिटेलिंग का, जितने भी स्क्रैचेस स्क्रूचेस इसके ऊपर पड़े हुए हैं ना, मतलब आपके सामने है कितनी गंदी हुई है ये गाड़ी। दूर से तो पता नहीं चलता लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं ना गाड़ी की, तो गाड़ी बहुत बुरी लग रही है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द डिटेल्स, अगर डिटेल्स नहीं अच्छी तो चस नहीं आती। तो हमजा भाई बताएं यार किस तरह कौन से स्टेप से आप गुजरेंगे और ये गाड़ी मेरी आप बिल्कुल स्क्रैचलेस करेंगे। फिलहाल तो वो एक स्पॉटलेस होनी चाहिए, फिलहाल तो वो एक ही स्टेप ले। यार पहले तो इसको कंपाउंड वगैरह करेंगे जरूरी है ताकि इसके निशान वगैरह कम हो जाए। अच्छा अलबत्ता कोशिश करेंगे कि इसको क्लियर कर ले, लेकिन ये बिल्कुल जीरो तो नहीं होने वाली। यार ये क्या बात हुई यार, फिर डैप का क्या फायदा, ये क्या बात है यार,
गाइस हम पहले भी यहाँ पे आए थे जब भी बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग थी, अब थोड़ी सी रिम टायर लगा लिया, गाड़ी ड्रॉप कर ली है थोड़ी सी, बाकियों की तस्वीरें भी जानी है ट्रेन तो। हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह मार्केट्स भी आएगी और फिर इस वॉल ऑफ फेम पे, माशाल्लाह चेक करो वॉल ऑफ फेम पे, अभी क्राउन नीचे इन्होंने ना जगह मली हुई है एक जगह पे हम मार्किंग्स लगानी है इन्होंने। खैर एनीवेज अच्छा कंपाउंड करेंगे फिर, कंपाउंड से ये है कि जो लाइट लाइट स्क्रैचेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही है ठीक है। उसके बाद जो मेन हमारा जो इसमें मकसद है ना वो इन चीजों को देखना है। एग्जैक्टली ये वाले निशान, अब जो हमने ट्राई करनी है वो ये करनी है कि इसको कलम लगा के पता मार के कंपाउंड फिर कलम फिर, मतलब उसकी आप लेयर एक बना दोगे और कोशिश करोगे कम से कम निशान रहे, और ये ट्राई करेंगे कि क्लियर आउट हो जाए। जो मेन काम है सिरेमिक करना है ये चीज, ये चाहिए हमें, ये चाहिए हमें, ये दोनों गाड़ियों में चाहिए हमें। अपडेट ये है कि क्राउन को हम छोड़ के जा रहे हैं, खाना छाना लेने पिक करने जा रहे हैं खाना, और साथ साथ चल रही है एडिटिंग आपके भाई की वापस खाना। वैसे खाना क्या हमने आज सज्जी ले जा रहे हैं, सज्जी ले जा रहे हैं, कर दो प्रावा संदूक से निकल के 3-2-1 करेंगे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यार एक फुल सज्जी और एक क्वार्टर सज्जी। तो बॉयज हम लोग वापस आ चुके हैं, वो आप देख रहे हैं ना क्राउन, इसको सिर्फ उसे पता मार के हमजा भाई ने छोड़ दिए। व्हाट इज दिस? खैर एनीवेज हम लोग रोटी छोटी लेके वापस आ चुके हैं, ये रोटी पड़ी है, हम रोटी खाएंगे, शादी थी सज्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी में क्या खाएंगे, बोटी खाएंगे। हाँ यार समझ गए हो, अस्सलाम वालेकुम पापा ऊपर पापा। तो भाई साहब फाइनली रात के 1 बजे हमारी गाड़ी पॉलिश हुई है, अभी कंपाउंड के बाद पॉलिश हुई है और अभी गाड़ी वॉश होनी है, वॉश के बाद अंदर से साफ़ होनी है, अंदर से साफ़ होने के बाद ये गाड़ी होगी सेरेमिक। तो अभी भी टाइम अच्छा बड़ा पड़ा है, अभी गाड़ी बाहर निकाल के तो वॉश करने लगे। रात के 2 बजे सिरेमिक करने लगे हैं गाड़ी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एसन बैठा हुआ था बबलू सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं चेक करो यार कैसी हरकत है, वैसे कोई जिंदगी नहीं है कार गाइस की। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप, लेकिन गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है इसीलिए वी आर हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह लुक एट दिस माय बेबी, एक तो घर है ना ये दूसरा है वो एक बंदे ने ना बड़ा अच्छा कमेंट किया था मेरी इंस्टा पोस्ट के नीचे कि अपनी गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगवाएं जिसके ऊपर लिखा हो कि बेबी ऑन बोर्ड ऑन दिस बेबी, तो वो बड़ी प्यारी बात लगी आपके भाई को, ये हरकत करेगा आपका भाई इंशाल्लाह सून, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना फिर इकट्ठे फिरा करेंगे, टेंशन ले न्यू कार का के साथ फिरा करेंगे ठीक है। तो वो इस गाड़ी आ चुकी है स्टूडियो में, और स्टूडियो में इसको कर रहे हैं हम लोग लास्ट स्टेप जो कि बज रहे हैं 4 बजे, 4 बजे परफॉर्म हो रहा है ये वाला स्टेप साहब लगाओ। इस वक्त हम इसको सिरेमिक कर रहे हैं, कौन सी वाली कर रहे हैं हमजा भाई? हम इसको मोशी की कर रहे हैं। वो क्या होता है? सिरेमिक होता है, मोशी लोगों को पता होगा कैसे होता है, कंपाउंड पहले होती है उसके बाद पॉलिश होती है, गाड़ी अच्छी तरह वॉश होती है, उसके बाद फिर लास्ट स्टेप पे सिरेमिक करते हैं और फिर सिरेमिक को ड्राई होने का भी टाइम देते हैं, तो हम भी देंगे इसको थोड़ा बहुत टाइम अगर ओस ने साथ दिया हमारा। बाकी ये इस तरह से सिरेमिक होती है, बस अब आपको दिखाते हैं फाइनल लुक गाड़ी की, माशाल्लाह बहुत मुझे तो भाई बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वही बात हो गई भाई थोड़ी सी अगर डाउन करने देते हैं आप,
तो ये और सुथरी होती, लेकिन नेवर माइंड अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी एयर होती तो मजा आ जाता। 1 2 उछाले। क्या बात है, क्या